सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल नंबर वन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयपाल। आपके लिए दोस्तों जियो फोन के बारे में लेकर आया हूं बहुत ही कमाल की टेक्निक। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जियो फोन के अंदर दोस्तों हम ऑनलाइन बैंकिंग कैसे करें, यानी दोस्तों इंटरनेट के द्वारा हम जियो फोन के अंदर बैंकिंग के माध्यम से रुपये को ट्रांसफर यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे सेंड कर सकते हैं। दोस्तों आज हम इसके बारे में बात करने वाले, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले, इसे लास्ट तक जरूर देखना। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जियो फोन के अंदर जब भी कोई न्यू अपडेट मिलता है मैं आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आता हूं। और दोस्तों आपको इस चैनल पर रोजाना एक नई टेक्निकल वीडियो मिलती ही है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डेटा कनेक्शन ऑन करना। दोस्तों डेटा कनेक्शन ऑन हो जाने के बाद आपको ब्राउजर के अंदर जाना है। दोस्तों आपको ब्राउजर ओपन हो गया और ब्राउजर अंदर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ दोस्तों एक बार कुछ भी टाइप करके अब दोस्तों आपको यहाँ पर आपको टाइप करना है ऑनलाइन। और दोस्तों आप बहुत बार कमेंट करते हैं कि हम जियो फोन के अंदर इंटरनेट बैंकिंग कैसे करें, तो दोस्तों मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आ ही गया हूँ। अब दोस्तों बात आती है कि ऑनलाइन दोस्तों अपना बैंक कौन सा है, दोस्तों उसका यहाँ पे नाम लगाना है। यानी आपका आपका खाता यदि SBI में तो यहाँ पे SBI लगा दो, और यदि आपको इलाहाबाद या दोस्तों ये बहुत सारे बैंक होते हैं इनके अंदर है, तो अपना बैंक का नाम लगा दो यहाँ पे ऑनलाइन। अब दोस्तों मैंने एक बार SBI लगाया, उसके बाद में दोस्तों और नाम भी लगाऊंगा यहाँ पे। पहले वेबसाइट पे लगी ऑनलाइन, दोस्तों आपको नीचे पढ़ लेना है कि ये किसके बारे में। अब दोस्तों बोल रहा है कि लॉग इन करो पहले आप, यानी इंटरनेट की बैंकिंग करने के बाद अपनी हमारी एक ID बनती है। चलो लॉग इन प्रेस करते हैं। देख सकते हैं SBI बैंक है और यहाँ पे बोलेगा ये है, चलते थोड़ा कंटिन्यू टू लॉग इन, नीचे मिलेगा दोस्तों आपको, ऊपर नहीं मिलेगा। इस पे प्रेस करोगे तो एक नई विंडो ओपन होगी इस तरह का, यानी ये होगी। अब दोस्तों यहाँ पे आ रहा है यूजर नेम लगा दो, पासवर्ड लगा दो। और दोस्तों हमारी तो अभी ID बनी हुई भी नहीं है, तो आपको यहाँ पे नीचे आना है, न्यू यूजर रजिस्टर AR HU एक्टिव। तो आपको इस तरह दोस्तों यहाँ पे पढ़ लेना है, इफ यू ऑलरेडी एबिलिटी व्यू प्रिंट किड फ्रॉम टू ब्रांच, यानी अपने बैंक की होती है और यहाँ पे जो कुछ होती है दोस्तों उसके अंदर, यानी इसके अंदर थोड़ा सीमित ही दिया हुआ है, यानी इसको अंदर सीमित ही आप कर सकते हैं। और आपकी स्क्रीन पे ये कस्टमर ऑनलाइन इस पर दिया है, यहाँ पे ठीक कर देना आपको। तो यहाँ पे मैंने ठीक पे प्रेस किया, ठीक पे प्रेस कर दिया तो दूसरी नई विंडो ओपन होगी असिस्टेंट की। यहाँ पर आपको नीचे आना है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, माउस पे प्रेस कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे प्रेस करना, छोटा करना, बिल्कुल छोटा करना। यहाँ पे आपको यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, मैं माउस को ले जा रहा हूँ वहाँ पे, मैंने नेक्स्ट पे प्रेस किया तो आपको नई विंडो ओपन हो जाएगी आपको। और यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालना है, यानी जो अपने अकाउंट नंबर इज अवेलेबल इन पासबुक एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यानी अपने बैंक के अंदर जो भी अकाउंट नंबर थे, मान लो 5, 6, 7, 8 इस तरह, यानी जो भी अकाउंट नंबर अदरवाइज XYZ वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं। और उसके बाद CIF है नहीं, वो आपको डालनी है सेफ नंबर है जो अपने पासबुक के अंदर लिखे हुए होंगे SBI बैंक के। और उसके बाद तो आपको नीचे आता है यहाँ पे ब्रांच कोड, यानी ब्रांच का कोड क्या है अपनी ब्रांच का, यानी अपनी कोड, यानी मान लो मेरे राजस्थान के अंदर तो कौन सी कोड है ब्रांच का, वो आपको लगा देना है। आपको बैंक डायरी के अंदर सब कुछ लिखा हुआ होता है। उसके बाद आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, कंट्री हमारी करनी है आपको दोस्तों इंडिया, यहाँ पे नीचे चलेगा तो इंडिया आएगा दोस्तों, मैंने चलो इंडिया सेलेक्ट कर ही देता हूँ आपके सामने। और दोस्तों ये तो है SBI बैंक का, और उसमें दूसरे बैंक का भी बताऊंगा आपको। उसके बाद दोस्तों आपको ऐप पर आ चुके हैं हम, या चला गया इंडिया, तो आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। इंडिया सेलेक्ट करते हैं दोस्तों अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाएगा, अपनी मोबाइल नंबर डालो, यानी 1, 2, 3, 4 कितने भी मोबाइल नंबर आपको जो भी हो आपके XYZ आपको यहाँ पे डाल दिए जो भी आपने पासबुक के अंदर रजिस्टर कर रखे हैं। और उसके बाद आप आता है कि फैसिलिटी रिक्वायर दोस्तों, इसके अंदर आपको क्या करना है दोस्तों अपना, चाहे दोस्तों सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और मान लो लिमिटेड ट्रांजेक्शन, हम हमारी एक सीमा के अंदर ही ट्रांजेक्शन करेंगे, फुल ट्रांजेक्शन करेंगे, कुछ भी करेंगे दोस्तों, वो आप अपनी मर्जी के अनुसार कर सकते हैं। इंटरटेक्स शो इन इमेज, यानी ये नीचे कैप्चा होता है इसको करना है, उसके बाद सबमिट प्रेस करना है। सबमिट प्रेस करोगे तो दोस्तों आपके ये नई ID बन जाएगी, उसका लॉग इन हो जाएगी।
और लॉगिन होने के बाद दोस्तों अपनी इंटरनेट बैंकिंग वो चला सकेंगे। अब दोस्तों बात आती है कि यदि आप दूसरे बैंक से हैं, मान लो आपका बैंक है पंजाब नेशनल, तो पंजाब नेशनल बैंक है दोस्तों, तो आपको दोस्तों आप ले जा रहा हूँ दोस्तों, आपको मैंने आपको बताया था कि SBI बैंक है यहाँ दोस्तों, अपना बैंक है वो आपको डाल देना ही नहीं, अपना खाता खुला हुआ है उस बैंक के अंदर, तो मैं आपको पिन भी डाल दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे पिन भी डाल दिया। पिन डालने के बाद दोस्तों आपको पिन भी की पहली वेबसाइट में लिख दीजिए दोस्तों, पढ़ लेना एक बार की क्या कुछ लिखा हुआ है। डेबिट कार्ड होल्डर इन कैन रजिस्टर ऑनलाइन विजिट www.pnbnet.com, यानी हमारी जो बैंक खाते के अंदर दोस्तों होती है ना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड दोस्तों, उनसे आप इसके अंदर लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन हो जाने के दोस्तों अपना जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा जूम आउट करना है आपको, जूम आउट करने के दोस्तों आपको यहाँ पे एक लॉक का निशान मिलेगा, आपको लॉक में प्रेस करना है, आपको लॉक में प्रेस करने के बोलेगा इंटरनेट बैंकिंग पर आपको लॉगिन करना है आपको, तो एक नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा जूम आउट करते हैं दोस्तों, और यदि दोस्तों आप हमारी आईडी बनी हुई है तो हमें डाल दो, यदि नहीं बनी हुई है तो न्यू यूजर, यहाँ पर अपना क्या लेना है, अपना जो डेबिट कार्ड का होता है नंबर वो डाल देना, यानी 18 अंक का या 16 अंक का इतना होता है लगभग वो, उसके बाद रजिस्टर प्रेस करना है, वेरीफाई भी करते हैं, अपनी आईडी बन जाएगी यहाँ पे डायरेक्ट। और यदि आप दोस्तों इस तरह पेन बी के अंदर भी अपनी आईडी बना कर हम चला सकते हैं। और दोस्तों अब बात आती है कि आपके यदि कोई और ही बैंक है, मान लो मैं बताता हूँ, एक और सिलेक्ट कर देता हूँ बैंक, मान लो आपका दोस्तों बैंक है इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद बहुत सारे बैंक होते हैं दोस्तों, इलाहाबाद प्रेस करोगे तो दोस्तों आपकी इस तरह की हम साइट आ जाएगी, ये साइट दोस्तों साइट पे प्रेस करोगे दोस्तों, पहले आपको नीचे एक बार पढ़ लेना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों दूसरी साइट पर आप नए अपनी निजी डेटा डाल दे, तो इसलिए दोस्तों आपको नीचे एक बार पढ़ लेना, यानी यहाँ पे नीचे दोस्तों लिखा हुआ है न्यू टू इलाहाबाद बैंक ऑनलाइन वेलकम टू इलाहाबाद बैंक इंटरनेट बैंकिंग, तो दोस्तों ये वेबसाइट सही है दोस्तों, दूसरी फेक वेबसाइट पे मत चले जाना, फेक वेबसाइट पे डालना भी नहीं है आपको। और दोस्तों यदि आप दूसरे बैंक से, मान लो आप कोई अब की बार और बैंक लगाते हैं, यानी एक दूसरा बैंक सेलेक्ट करते हैं कोई, अब की बार हम कोई और बैंक लगा देते हैं, तो मैंने लगाया ICIC, यानी ये कोई बैंक है दोस्तों, इस प्रेस करोगे दोस्तों यहाँ पे एक बार नीचे पढ़ना है पहले, उसके बाद प्रेस करना है स्टार्ट योर ऑनलाइन बैंकिंग जर्नी विद ऐसी बैंक स्टेप सेफ हो बैंकिंग, यानी दोस्तों एक बार इस पढ़ के उस पर उसके बाद प्रेस करना है आपको दोस्तों, उसके बाद आपको मैंने दोस्तों आईडी बनाने आपको बता दिए दोस्तों, आगे दोस्तों हम इंटरनेट बैंकिंग दोस्तों आगे कैसे करेंगे दोस्तों अगले वीडियो के अंदर हम लाएंगे दोस्तों, मैं आईडी बनाऊंगा दोस्तों उसके बाद आपको बता ही दूंगा। दोस्तों आपको मैंने आईडी बनाना सिखाया दोस्तों कि आप इस तरह जियो फोन के अंदर हम दोस्तों आईडी बनाकर इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, वीडियो करना अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जियो फोन के अंदर जब भी कोई न्यू अपडेट मिलता है मैं आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आता हूँ, और दोस्तों आपको इस चैनल पर रोजाना एक नई टेक्निकल वीडियो मिलती है। दोस्तों मैंने आज आपको बताया इंटरनेट बैंकिंग के बारे में, तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करना, वीडियो करना शेयर, और दोस्तों यदि आपकी आईडी नहीं बन रही है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बता ही देना। धन्यवाद, मिलते हैं कुछ नेक्स्ट साथ, धन्यवाद, जब तक बाय बाय।